अपने अपन गड्डियां ने सारे प्यारियां लगदियां ने, गरीबें की कोई नहीं दिखता। अपने बच्चों ने शामी रुट्टी चाहिए है तो गरीबें नहीं चाहिए। कुछ नहीं मिले है, कोई जमीन कोई कुछ मिले ही नहीं है। एक कख नहीं दिता गोरमेंट ने, एक कख तिनका होता ना वो भी नहीं दिया। अपनी मजूरी करते खाते हे, हूँ बीमार होने हूँ कुछ करी मजूरियाँ, हूँ कम थोड़े होंगे साढ़े को। पिंसर ही ला दी भी नहीं, लोगों बंद करी उड़ियाँ, उतने लोगों के खर्चे नहीं होते। पैन कार्ड बनवाओ, जे बनवाओ, वो बनवाओ, अगे नहीं हिंदुस्तान इतने रोंदा, अगे कुछ रोंद है। नमस्कार, जिगदन 47 डिजिटल प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है और मैं हूँ शिल्पा शर्मा। पीओजेके रिफ्यूजी फ्रंट जो कि लगातार मांग कर रहे हैं और आप साफ तौर पर तस्वीरें देख सकते हैं, इस वक्त सड़कों पर मौजूद है। हर बार सड़कों पर आते हैं, हर बार धरना प्रदर्शन किया जाता है, मांग की जाती है, लेकिन मांगों को अभी तक सुना नहीं गया है। क्या कुछ कहना है इनका आज, क्योंकि जिस तरीके से फिर सड़कों पर उतरे हैं अपनी मांगों को लेकर, साथ ही साथ आपको बताते चले महिलाएं भी मौजूद है, जहां पर सरकार की तरफ से ये नारा दिया जाता है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन आप देख सकते हैं कि बेटियां जो है वो सड़कों पर मौजूद है। तो क्या कुछ कहना है, इनसे बातचीत करें। आज तक किसी ने बात हमारी सुनी नहीं, तो नहीं आज तक सुनी किसी ने। आज हमारा जो प्रोटेस्ट है वो अपने हक के लिए बोल रहे हैं कि ताकि हमारे जो हक मिलना चाहिए। पहले गवर्नमेंट ने 5.5 लाख रुपया दिया था, उसके बाद में गवर्नमेंट ने कुछ दिया नहीं हमारे को, ये 24.5 लाख पीछे रहता था हमारा। और जो पीओके की सीटें हमारी हैं वो भी आज तक नहीं दी है। जो हमारा हक बनता था उसके हक के लिए हम लड़ाई लड़ते लड़ते आई जहाँ तक होगी। कुछ रिफ्यूजी हमारे वो हैं जिनके पास एक मरला रहने के लिए ज़मीन नहीं है। अब ये बताओ वो रिफ्यूजी कहाँ जाएंगे, जिनका आज के उनका गुजारा नहीं कहीं पे, जिनके पास उनकी एजुकेशन बच्चों की पढ़ाई नहीं है, जिसका किसी का आमदनी का जरिया कोई नहीं है, उसके बीच में ये बताओ हमें जो 5.5 लाख रुपया मिला है आज के ज़माने में क्या चीज़ है। जो 24.5 लाख पेंडिंग रहता है हम बोलते हैं हमारा वो भी दिया जाए ताकि हमारे बच्चों को थोड़ी राहत मिले थोड़ी। इसलिए हम सोचते हैं कि हम इसलिए कर रहे हैं गवर्नमेंट ताकि हमारी गवर्नमेंट आवाज़ सुने। इस बात सुनते 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 काफ़ी देर से चलते चलते आ रहे हैं हम, लेकिन अब तक कान कितना समय हो चुका है हमको तो 30 साल से चल रहे हैं हम 30 साल से चलते चलते आज तक जहाँ तक पहुँचे हैं। हमारे प्रधान जो वो कुछ ठीक नहीं है, उसकी वजह से हमने क्या किया। तो चलो हम कहते हैं कि हमें भी कुछ राहत मिले ताकि आने वाले समय में गवर्नमेंट को जो और भी फायदा हमारी तरफ से रिफ्यूजी की तरफ होगा, हम ये कहते हैं। आज अगर नहीं करेंगे हमारा आज हमारा फायदे की बात की आपने, किस प्रकार का फायदा, चुनाव की बात कर रहे हैं? नहीं, हम फायदा ये होते हैं जो अगर हमारा ये चुनाव जरा जो 24.5 लाख है जो गवर्नमेंट अगर हमारे को दे देती है तो गवर्नमेंट को पता है कि फिर हमारा वोट बैंक पक्का है। ठीक है, हम इसके लिए बोलते हैं। कहने का मतलब ये है कि अगर नहीं गवर्नमेंट मदद करेगी इस बार में देखेंगे उस वक्त, यानी कि आप साफ तौर पर कह रहे हैं कि मांगें पूरी नहीं होती है तो कहीं ना कहीं जो वोट बैंक आपकी तरफ से दिया जाएगा वो नहीं दिया जाएगा। वो वक्त आएगा, उस टाइम हम उस वक्त के साथ चलेंगे। अगर आज ये हमारी मदद करेंगे तो कल आने वाले समय भी रिफ्यूजी हम इनकी मदद करेंगे, ऐसी बात थोड़ी है। हम नहीं और दिया जरूर है लेकिन थोड़ा सा दिया ना। साफ तौर पर आप कह रहे हैं कि आप हमारी मदद करें हम आपकी मदद करें। बिल्कुल, ये तो होगा। जब हमारी रिफ्यूजी की बाज नहीं सुनाई जाएगी तो हम कैसे क्या करेंगे। आज तक इतनी देर से चलते चलते आ रहे हैं, कोई हमारे पास ज़मीन का मरला नहीं, बच्चे बेरोजगारी घूम रहे हैं, उनकी एजुकेशन कोई नहीं है। एजुकेशन तो पैसे के साथ होती है ना, आप तो ये जानते हैं इसके बारे में। तो पैसा होगा तो एजुकेशन होगी, तो बच्चे हमारे कोई काम करेंगे, रोजी रोटी कमा के खाएंगे। आज हमारी तीसरी पीढ़ी जा रही है, आज तक जिनको कुछ नहीं मिला हुआ, हम मानते इस चीज़ को, मान के चलो। कहने का मतलब ये है कि हम करते करते आज तक जहाँ पहुँचे हैं, लेकिन 5.5 लाख देकर अभी गवर्नमेंट चुप हो गई है। मैम क्या कुछ कहना चाहेंगे, जहाँ पर सरकार नारे लगाती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और महिलाएं सड़कों पर है, क्या कहेंगे इस पर? क्या कहेंगे इसके बारे में, सरकार सिर्फ नारे लगाती है, जीरो ग्राउंड लेवल पे इनका कुछ नहीं किया जाता है। हम लोग सड़कों पे इसलिए कि हमारा हक जो है हमें मिलना चाहिए। हम कब से माइग्रेंट हुए हैं, कश्मीर से लोग माइग्रेंट हुए, जम्मू में उनको सब कुछ मिल गया, घर भी मिल गया, सब कुछ मिल रहा, राशन मिल रहा, सब कुछ मिल रहा, हमें कुछ नहीं मिल रहा इतने सालों से। हमारे बुजुर्ग जो थे अब तक आके सारे चले गए, जिंदे पैसे रह गए ना 5.5 लाख रुपया, उन्हें भी देने सानू कुछ नहीं मिला। साड़ियाँ फैलाओ पे जाओ उन्हें को ऑफिसर को। 3 साल हो चुके हैं, 3 साल के बाद कोई भी पैसा नहीं सानू लभेगा नहीं, 47 दे लिए लभेगा नहीं, सानू कुछ नहीं मिला, गवर्नमेंट ने कुछ नहीं दिता। जो 20% किराए पर होने हैं, जो 80% जिनको 5.5 मिल गया है, जो 20% है उनमें से ये भी है, यानी कि इनको कुछ इनको कुछ इनको 5.5 में नहीं मिला। ये बात हम यही चाहते हैं कि जिनके पैसे 20% लोग हैं उन्हें मतलब पैसे मिलने चाहिए ना, जिनके फैला रहे। आपको कुछ भी नहीं मिला? कुछ नहीं मिला है, कोई जमीन कोई कुछ मिला ही नहीं है। एक कख नहीं दिता गवर्नमेंट ने, एक कख तिनका होता ना वो भी नहीं दिया। कह देना गवर्नमेंट ने अपनी मजूरी करते खाते हैं,
हूँ बीमार होने हूँ कुछ करी मजूरियाँ हूँ कम थोड़े होंगे साढ़े को जब बीमार होते हैं तो फिर उस प्रकार की नज़र मतलब थोड़ा मत कर लेने या बच्चों को कर लेने या के करना जड़िया ने पिंड सराह ला दी भी नहीं लोग बंद करी उड़ी उतो लोगों के खर्चे नहीं होते पैन कार्ड बनवाओ जे बनवाओ वो बनवाओ अगे नहीं हिंदुस्तान इतना रोंद अगे कुत्ते रोंदे हे अपने अपन गद्दियां ने सारे प्यारियां लगदियां गरीबें कोई नहीं दिखता अपने बच्चे ने शामी रुट्टी चाहिए है तो गरीबें नहीं चाहिए गरीबें पर गै बनते नहीं कोदे पर बनते नहीं वोट देने कौन बनता अस लोग पाने तो जल्द ये बनी जाते तो गरीबें लोगों धक्के मारते चलो तुम्हें पर टैक्स लाई उड़िया इन्नी मेहरबानी करिए कि गरीब की कभी सुनवाई नहीं होती है नहीं होती गरीब की सुनवाई कुत्ते नहीं होती है कुछ अपील करना चाहेंगे सरकार से क्या कुछ कहना चाहेंगे सरकार से हमारी बार बार हर महीने यही अपील है कि हमारा जो 5.5 लाख जो 80-20% लोगों को रहता है वो मिलना चाहिए और जो हमारा 25 लाख रुपया मंजूर हुआ है 24.5 लाख रुपया वो हमको एक ही किस्त में मिलना चाहिए ताकि जो हमारे आने वाले बच्चे हैं उनको ना तो स्कूल में कोई एजुकेशन ना उनके लिए आर्मी में जाने के लिए कोई भर्ती करता है इसलिए हमारी यही रिक्वेस्ट है कि जो 24.5 लाख रुपया बाकी है एक किस्त में मिलना चाहिए जो 20% रहते हैं उनको मिलने चाहिए कि 80% लोगों को मिल चुका है लेकिन जो 20% है उन्हें नहीं मिला उनके पैसे मिलने चाहिए कितने साल हो चुके हैं जो 20% रह चुके हैं ये तो 4-5 साल हो गए जो 5 लाख रुपया मिला था यानी 16-17 के बीच मिला था उसके बाद कोई पैसा नहीं मिला। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया साफ तौर पर आप सुन चुके हैं जिस तरीके से लगातार मांग की जा रही है यहाँ पर धरना प्रदर्शन किया जा रहा है मांग की जा रही है और मांगों के साथ साथ आपको ये भी बताते चलूं कि सीटों की भी यहाँ पर 24 सीटों की भी मांग की जा रही है इसको लेकर आपकी क्या कुछ राय है आप इसको किस नजरिए से लेते हैं अपनी राय कमेंट सेक्शन पर जरूर रखिएगा मुझे कैमरा पर्सन गोपाल को दीजिए इजाजत नमस्कार।